प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछना है तो वहां से भी। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? आज का लाइव बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि मेरे साथ लाइव में मेरे बहुत अच्छे भाई, मेरे मेंटोर, मेरे टीचर, मेरे ट्रेनर अली रजा पंजवानी हैं। वेलकम टू हाउस। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम अली भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम श्राम, अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। आप सुनाए, थैंक यू सो मच कि आपने आज फाइनली कुछ ना कुछ कर लिया धमाका। अच्छा है, लाइव स्ट्रीम पे नो इंटरव्यू मैं करना बहुत स्टार्ट अच्छे करना से इज समथिंग अनाउंसमेंट कर रही अमेजिंग। थी। मैं बहुत अरसे हाँ से ऐसा ही अपनी होता है। ऑडियंस को, अपने फॉलोअर्स को ये इंसेंटिव दे रही थी कि मैंने अली भाई के साथ लाइव जाना है, स्टे इन टच विद अस। और फिर ये होता था कि कभी आपकी मसरूफियात, कभी मेरी मसरूफियात, तो हम जो है वो टाइम मैनेज नहीं कर पाते थे। एंड फाइनली वी आर टुगेदर ऑनलाइन हेयर। और अली भाई के हवाले से मैं जो एक इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी वो ये है कि ये इनकम कोच हैं, ये स्किल एडवाइजर हैं, ये कम्युनिकेशन पे काम करते हैं, सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे काम करते हैं, और डिजिटल स्किल्स में जितनी बेसिक स्किल्स हैं उनके हवाले से आप अली भाई से कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो उसका जवाब ये मिनटों में आपको दे देंगे। माशाल्लाह से, मतलब एक जंबील है इनके पास इल्म की। और ये जो है बगैर एनी डिस्क्रिमिनेशन जो है उस नॉलेज को अपने आने जो बच्चे हैं, जो यूथ है, जो स्टूडेंट्स हैं, जो इनसे सीखना चाहते हैं, ये उनको बांटते हैं। और जब मैंने सोचा था कि मुझे भी सोशल मीडिया पे काम करना चाहिए, तो ही इज वन ऑफ दोज के उन्होंने मुझे बहुत इनकरेज किया और उन्होंने मुझे कहा कि व्हाई नॉट, यू कैन डू इट। तो मैं अली भाई को बहुत रिगार्ड करती हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, और बहुत रिस्पेक्टफुली ये जो है वो अपने स्टूडेंट्स को अपने साथ लेके चलते हैं। आप जब कभी भी कोई क्यूरी करेंगे तो ये कभी बॉदर फील नहीं करते, अनटिल अनलेस अगर इनकी कोई कमिटमेंट ना हो, क्योंकि ये बहुत बिजी रहते हैं क्लासेस लेने में, कोर्सेज पढ़ाने में और स्किल्स सिखाने में। तो जब ये फ्री होते हैं तो आप जो है वो इनसे कुछ भी सीखना चाहें ये आपको सिखाते हैं। तो अली भाई ये बताइए कि आजकल आपकी लाइफ में क्या हो रहा है? आजकल लाइफ में तो आज संडे था। हाँ, आज खाना पकाया थोड़ा अच्छा, चिकन मलाई बोटी विथ मैक्रोनी, नहीं मैक्रोनी वेरी पास्ता, हाँ गुड, पास्ता था। हैव अ नाइस लंच। बिकॉज हम तो चूंकि मुल्क से बाहर हैं तो हम तो इस तरह के खानों को बस सोचते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो रेस्टोरेंट्स हैं वहां पे टू बी वेरी ऑनेस्ट हमें वो टेस्ट नहीं मिलता जो अपने मुल्क के खानों में है। बेशक हम यहाँ पे मंगवा भी लेना अगर खाने, तो बस वही खाने खाते हैं जो हम घर पे बनाते हैं। अच्छा, आजकल जो आप अपने इंक्यूबेटर में स्किल्स बच्चों को सिखा रहे हैं उसके हवाले से हम थोड़ा बात करते हैं कि आजकल आप कौन सी स्किल्स के ऊपर ज्यादा इम्फोसाइज कर रहे हैं और फोकस कर रहे हैं कौन सी स्किल्स के ऊपर? अच्छा, इंसान से अपने बच्चे को बेसिकली योगर्ट सोशल मीडिया खिलाने। इंक्यूबेटर सॉरी, हाँ सोशल मीडिया इंक्यूबेटर में जो स्किल सेट सिखा रहे वो फ्रीलांसिंग है। फ्रीलांसिंग के अंदर ग्राफिक डिजाइनिंग है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, और एज ऑन फिर वो अपनी मार्केटिंग स्किल्स को किस तरह सेल आउट करते हैं, उसके लिए वैल्यू ऐड करते हुए अपने पोर्टफोलियोज क्रिएट करते हैं बिहांस पे, और डिफरेंट पोर्टफोलियो पे अपने सारे 6 प्लेटफॉर्म्स को रेडी करते हैं और मार्केट में कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हैं लोगों से। तो रैम बैक का कोर्स भी है, कोर्स नंबर 1, तो उसमें 500 म्यूचुअल फंड एक्सपीरियंस प्रोग्राम है कि बहुत सारे मुल्की गैर मुल्की सबको ज्वाइन करते हैं, कनेक्ट करते हैं, और उनसे फिर डिफरेंट कल्चर और डाइवर्सिटी के हवाले से फिर एक्सपीरियंस ले रहे होते हैं। फिर डिफरेंट एक्सपीरियंस के साथ उनको मजीद कॉन्फिडेंस मिलता है, जहाँ उसके फ्रेंड्स मजीद बढ़ते हैं। यही एक्सपीरियंस फिर अपने स्किल्स के सेट, अपने रेलिवेंट स्किल्स के साथ लोगों को कनेक्ट करते हैं, इंटरव्यूज करते हैं, और कॉन्फिडेंस कम्युनिकेशंस, और फिर उसके साथ जो है पर्सनल ब्रांडिंग के फिर चीज़ें
एड ऑन होते हुए फिर वो अपने फ्रीलांसिंग क्या फाइवर अपवर्क के अपने अकाउंट्स बनाते हैं और मजीद लिंक्डइन पे और डिफरेंट डिफरेंट जगह इंटरनेशनल और लोकल जो क्लाइंट्स होते हैं उसको सर्व करके अपनी अर्निंग स्टार्ट कर रहे होते हैं। फिर तो ये हमारे पास एक कोर्स हम करवा रहे थे, बाकी फिर इंक्यूबेटर में हमारे पास फिर और एक्टिविटीज भी एज ऑन मीटअप्स होते रहते हैं और कहीं ना कहीं बहुत सारे वर्कशॉप्स है, गेस्ट स्पीकर्स आते रहते हैं जो फ्रीलांसिंग एंटरप्रेन्योरशिप और डिफरेंट एआई के जो टूल्स है, कॉल एनी हो गया, चैट जीपीटी हो गया, फिर इस तरह आप चैट जीपीटी से डिफरेंट खुद से सेल्फ लर्निंग एक्सप्लोरेशन करना चाह रहे हो तो बहुत सारे स्टूडेंट्स अब उसको इमेजेस बनाते हैं, कुछ स्टूडेंट्स उसमें सॉन्ग बनाते हैं, कुछ स्टूडेंट्स उसमें फिर मजीद फिर कॉलोनी से लाइफ पर जाकर इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो बहुत वर्सटाइल एक पूरा एक इंक्यूबेटर सेंटर में बच्चों को ग्रूम किया जाता है अपने स्किल्स के साथ और यही चीज़ें फिर रिहान स्कूल में भी हम करवा रहे होते हैं एज ऑन। तो अली भाई आप मुझे ये बताएं कि ये आपका जो इंक्यूबेटर है, जो आपका ट्रेनिंग सेंटर है, ये कराची में है और कराची से जो लोग मुझे अभी देख रहे हैं वो यहाँ पे आ सकते हैं जब कभी भी आना चाहें। अली भाई आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है। अच्छा, कराची में तो हमारे पास शहीद मिलन रोड की तरफ है तो कराची में जो लोग है कराची की तरफ आते हैं एज ऑन, बाहर है तो बाहर से भी आते हैं। अब ऑफ कोर्स लर्निंग है, लर्निंग प्लेटफॉर्म के लिहाज से आप हर चीज सीख रहे होते हैं और चीजें कर रहे होते हैं एज ऑन। तो आप अपने इंक्यूबेटर में सब स्टूडेंट्स को इन हैंड ट्रेनिंग कराते हैं कि यानी कि सब कुछ प्रैक्टिकल हो रहा होता है, अपनी आंखों के सामने ही आप अकाउंट्स बनवा रहे होते हैं, फाइवर, अपवर्क, कैनवा लर्निंग, उसके अलावा आजकल आप कैपकट पे बच्चों को सिखा रहे हैं कि कैसे एडिटिंग होती है, तो ये सारी इन हैंड ट्रेनिंग होती है, बच्चे साथ साथ सीख रहे होते हैं, बल्कि मैंने देखा है कि आपके कुछ स्टूडेंट्स सीखने के बाद वहां पे टीचिंग भी स्टार्ट कर देते हैं। तो हाउ डू यू फील कि आप एक बीज बोते हैं और वो बहुत जल्दी ग्रो कर जाता है और वो खुद एज अ टीचर काम करना शुरू कर देता है? हाँ बिल्कुल, हमारा सोशल मीडिया इंक्यूबेटर है, इसके 5 मॉड्यूल ऑफ इनकम स्ट्रीम्स है। लाइक आप पहले अपने ग्राफिक डिजाइनिंग को आप सीखते हो और यही चीजें आप फिर एज ऑन आप दूसरों को सिखाते हो तो आप जल्दी सीख जाते हो, तो वो अपनी पेयर टू पेयर मेंटरशिप कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स सीनियर बैचेस के साथ, जूनियर के साथ, जिसको ज्यादा जल्दी समझ में आ गया तो फिर उन बच्चों को भी फारिग नहीं रखते हैं, फिर कहने के उनको बोलते हैं आपस में इसको देखो, उसको उसको सिखा दो, उसको बता दो, मजीद उसको एक्सप्लेन कर दो, वरना मुझसे तो जितनी बार पूछो आप मैं तो अनलिमिटेड बार उसको रिप्लाई रिस्पॉन्ड करता हूँ। लेकिन समवेयर अब मैं पेयर टू पेयर मेंटरशिप पे ज्यादा फोकस करता हूँ कि स्टूडेंट भी आपस में एक दूसरे को सिखाते रहे और तो चीजें भी हैं। तो इसमें फिर फर्स्ट मॉड्यूल ये होता है कि वह आप समवेयर टीचिंग करते हैं, समवेयर ऑनलाइन वर्कशॉप देते हैं, चीजें सिखाते हैं, वही सीख सीख मजीद उनको हेल्प करते हैं। और फिर दूसरा जो है इनकम स्ट्रीम के आप जो डिजाइन बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं तो आप उसको सेल आउट करते हैं, इसके अंदर फिर आप मजीद लोकल क्लाइंट्स को सर्व करते हैं, फिर वही चीजें थर्ड में फिर वो मजीद इंटरनेशनल क्लाइंट्स को फाइवर पर, अपवर्क पर और लिंक्डइन पर और डिफरेंट पोर्टफोलियोज बनाकर अपनी उस लिहाज से मजीद हेल्प कर रहे थे। और फिर फोर्थ हमारे पास अपॉर्चुनिटी होती कि वो मजीद टीचिंग करे उसको मजीद एज अ हमारे इंक्यूबेटर में फिजिकली पढ़ाना है, पाकिस्तान भर में जहाँ भी हमारे लिंकेज है वहाँ डिमांड जाती है तो वहाँ ऑनलाइन या फिजिकली पढ़ाने जाना है तो वहाँ भी जा सकते हैं। और एज ऑन फिर वो मल्टीपली अपनी और स्किल सेट डेवलप करते हैं, मजीद एजेंसी बेस्ड माइक्रो डिज़ाइन एजेंसी पे काम करते हैं कि वो अपनी माइक्रो डिज़ाइनिंग एजेंसी, जिस तरह एक कैपेसिटी है स्टूडेंट की कि वो दिन में 50 डिज़ाइन या एक डिज़ाइन या दो डिज़ाइन प्रोड्यूस कर सकता है और वो उसकी अपनी कैपेसिटी पे है एज अ पार्ट टाइम फुल टाइम फ्रीलांसिंग, तो वो मजीद किस तरह बहुत सारे क्लाइंट्स के लिए एज ऑन मल्टीपल बल्क क्रिएट करना है चीज़ें हैं, तो वो फिर एजेंसी फॉर्म कर लेते हैं, उनको मजीद सिखाते कि आप एज अ एजेंसी मजीद किस तरह ग्रो कर पाओगे, जो इनकम आपकी इंडिविजुअल हो रही है ग्रुप में आपके पास, फिर अलग अलग क्रिएटिविटी के साथ अपना अलग अलग बिजनेस आइडियाज के साथ उसको मर्ज करते हैं अपनी एक नीश के साथ सिलेक्शन करते हुए मजीद सिखा रहे होते हैं और मजीद सीखते हैं और मजीद आपस में टीम वर्क करते हुए फिर ज्यादा अच्छे से और मजीद ग्रो करते हैं। फिर उसी में उनको फिर यही सारी चीजें होस्ट का ऑप्शन है, टीचिंग के ऑप्शन है, ट्रेनिंग के है,
एजेंसी काम करने का मौका मिलता है। तो ये सारा एज ऑन स्टूडेंट अडॉप्ट करते हैं इसको, और 6 महीने के दौरान प्रोसेस में ही वो अपनी इनकम स्टार्ट कर रहे होते हैं एज ऑन। यानी कि इट्स ऑल अबाउट नेटवर्किंग। जो मैं समझ पाई हूँ वो ये कि आप एक पूरा नेटवर्क बना कर देते हैं फ्रीलांसर्स को। एक बच्चा जो बिल्कुल रॉ मटेरियल होता है वो आपके पास जब आता है तो फर्स्ट स्टेज पे वो आपसे स्किल सीखता है, देन फिर आप उसको एक अपॉर्चुनिटी देते हैं, यू कैन से इंटर्नशिप की या उसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की। वो फिर उसको सिखाने की जब वो फेज से गुजर रहा होता है तो वो उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर रहा होता है उस ट्रेनिंग को जो उसने आपसे ली होती है। एंड आफ्टर देन फिर आप उसको डिफरेंट ग्रुप्स में इंट्रोड्यूस करवाते हैं, डिफरेंट एजेंसीज के साथ लिंकअप करवाते हैं, डिफरेंट कनेक्शंस के साथ उसका इंट्रैक्शन करवाते हैं, सो दैट वो अपना एक नेटवर्क बिल्ड कर सके और जिस तरह से उसको इजी लगता है वो अपना काम स्टार्ट कर सके। मैं सही समझी हूँ आपकी बात को? हाँ बिल्कुल, इसी तरह ही है। और इसमें स्टूडेंट्स जो है अपनी डिजाइन क्रिएट करता है, कस्टमर उससे मांगता है, सैंपल्स मांगता है, तो पोर्टफोलियो भी रेडी होते हैं उनके। और एज ऑन डे वन से वो रेहाना लवाला के इंटरव्यू होते हैं, यानी कि रेहाना लवाला चाहते हैं कि मजीद बच्चे जो है ग्रो करें, रिसर्च करें, एंटरप्रेन्योरशिप बने। तो वही सारी चीजें, एक्टिविटीज वगैरह जो कहीं ना कहीं एड ऑन हो रही थी, एआई के टूल्स और सारी चीजें, और हमारे खुद बच्चों से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं स्टूडेंट से, और उनके पोस्ट और चीज़ों को भी मज़ीद कमेंट करते हैं, और उनको मज़ीद मीटअप वगैरह पे भी हो रहे होते हैं या लाइव सेशन में या फिजिकली एज ऑन स्टूडेंट इंटरेक्ट करते हैं, उनसे डायरेक्टली सीख रहे होते हैं। फिर तो इट मींस कि जैसे कहते हैं 24/7 सपोर्ट, तो आप अपने स्टूडेंट्स को एक तरह से 24/7 सपोर्ट देते हैं। उसकी वजह यह है कि सिर्फ सिखा देने से आपका मसला हल नहीं होता, स्टूडेंट्स की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो उसके स्किल सेट सीख भी लेते हैं बट दे डोंट नो के हाउ टू सेल दीज स्किल्स एंड हाउ टू वर्क अकॉर्डिंग टू दीज स्किल्स। तो आप उनको पूरा गाइड करते हैं कि आपने अपने आप को मार्केट में लॉन्च कैसे करना है। ऐसे ही है, आप स्टूडेंट्स को लॉन्च करते हैं, मतलब ऐसा ही है, उनको एवरीडे जो भी होता है हेल्प आउट एवरीडे। तो इवन क्लाइंट्स किस तरह को हेल्प करना है, क्या वैल्यू ऐड करनी है, क्या प्राइसिंग है, क्या सर्विसेज देनी है, और टाइम से पहले डिलीवर करना है एक्टिविटीज, तो यही ऑन डेली बेसिस असाइनमेंट होते हैं। तो असाइनमेंट का भी एक टाइम डेडलाइन सेट करते हैं कि वो उस टाइम को कंप्लीट करके सेंड करना है, तो उनको पॉइंट्स मिलते हैं उस पर। तो यही सारा प्रोजेक्ट बेस डे वन से इनका शुरू हो रहा होता है, टास्क बेस्ड प्रोजेक्ट बेस्ड, कि हम उनके बॉस हैं, हम उनके मैनेजर हैं, इस तरह के उनको डेडलाइन को कम्प्लीट करना है। तो वो थोड़ा सा शुरू से ही उनको हर चीज लेके प्रोफेशनली वो चीज़ें चल रहे होते हैं। एज ऑन जो स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म करते तो वो वाकई रियल टाइम में भी रियल कस्टमर्स के साथ भी पूरा एक्टिवली रिप्लाई करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, और उनसे फिर अपने जो है वैल्यू को एक्सचेंज करते हुए उसको अर्न कर रहे होते हैं मजीद। फिर मैं आपसे बात करती हूँ, क्या बात है, ठीक है। अच्छा, तो बच्चे तो आपको पता है उनको कोई परवाह नहीं होती कि पेरेंट्स जो है वो बिजी हैं या जो भी हैं। अच्छा, मैंने आपसे ये पूछना था कि आप डिफरेंट स्किल्स को लेके चल रहे होते हैं, यानी कि आपका जो इंक्यूबेटर है वो तमाम स्किल सेट पे काम कर रहा होता है। एक स्टूडेंट आता है, वो कहता है मुझे कैनवा सीखना है, आप इनकार नहीं करते, आप कहते ठीक है, यू आर वेलकम, हम आपको कैनवा सिखाएंगे। एक स्टूडेंट आता है, वो कहता है मुझे वीडियो एडिटिंग सीखनी है, या फिर मुझे यूट्यूब पे अर्निंग करना है तो मुझे यूट्यूब के ट्यूटोरियल्स चाहिए, मुझे फ्रीलांसिंग में मुझे डाटा एंट्री करनी है, या मुझे डिजिटल मार्केटिंग पे काम करना है। तो आप तमाम स्किल सेट्स को कवर कैसे करते हैं, हाउ डू यू मैनेज ऑल स्किल सेट इन योर वन प्लेस? हमारा असल में जो है कोर्स के अंदर जो मेन एसेंस है वो है लर्निंग हाउ टू लर्न, सीखना कैसे सीखना है, ठीक है।
तो स्टूडेंट्स को यही घबराहट होती है हमेशा से कि वो कैसे सीखेगा, खुद से कैसे करेगा. तो स्पून फीडिंग की जो हैबिट्स होती है मार्केट में समवेयर, तो हम उनको उनके आदत से छुड़वाते हैं उनको कि वही वो खुद से सेल्फ लर्नर बने. तो हमारे पास बहुत सारे ट्यूटोरियल्स रिकॉर्ड किए हुए होते हैं, हमारे पास खुद वीडियो एडिटिंग के लेवल्स बने हुए हैं rehantraining.com पे, बहुत सारे वीडियोज एडिट के, ग्राफिक्स के, और फिर एज ऑन यूट्यूब के हवाले से, और डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज है, और फिर नेटवर्क के अंदर बहुत सारे एक्सपर्ट्स लोग हैं, तो उनसे कनेक्शंस के अंदर ही वो सारी चीज़ें करते हैं. मेन एसेंस हम लोग जो फ्रीलांसिंग, कैनवा बहुत इजी है ग्राफिकली, कैनवा हो गया, फिर डिफरेंट और सॉफ्टवेयर हो गया, और इंटरव्यूज़ लेना, इंटरव्यूज देना, तो बेसिक बेसिक चीज़ों से कंप्यूटिंग स्किल्स और वो कम्युनिकेशन को ज़्यादा निखारते हैं, संवारते हैं, उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाकर. चैट जीपीटी है एनी है, तो शुरू में यही प्रैक्टिसेस करा रहे हो, तो एक महीना कि वो मंच के अपने आप से मजीद चैट जीपीटी से, एनी से, फिर मजीद कैनवा को खुद से एक्सप्लोर करके, हमारे साथ मजीद अपने असाइनमेंट्स कंप्लीट करके जो प्रोजेक्ट बेस्ड हो रहे हो, तो 4-5 स्किल्स बेसिकली उनको एक महीने में सिखा दी जाती है. फिर वही चीज़ों को आप स्केल करते हैं, पॉलिश करते हैं जहाँ मिस्टेक्स है, चीज़ें हैं, और फिर मजीद उनके जो डिस्कवरी उनको फिर मजीद करना होता है, तो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के साथ के लोकल क्लाइंट्स काफी बार पे करते हैं, काफी बार बहुत कम करते हैं. इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी डेडलाइंस को और चीजों को मीट करते हुए अच्छी प्राइसिंग उनको मिल जाती है, वही चीजें 3-4 times प्राइस बेटर होता है एक नॉर्मल क्लाइंट से, तो इसलिए इंटरनेशनल क्लाइंट्स फिर उनको प्रेफर करते हैं कि वहाँ उस मार्केट प्लेस में एज अ रिमोट जॉब भी जाए, तो रिमोट वर्क के लिए भी अप्लाई कर रहे होते स्टूडेंट्स, तो वो रिमोट वर्क, फ्रीलांसिंग या समवेयर कॉन्ट्रैक्ट बेस या चीज़ें जो भी ऑनलाइन और सपोर्ट कर सकते हैं उसको, वो घर बैठे फिर मजीद अपने चीज़ों को काम करना चाहें, तो उसके लिए उनको प्रिपेयर किया जाता है. और फिर मजीद उनका एंटरप्रेन्योरशिप माइंड के कहीं ना कहीं डिफरेंट आइडियाज़ और डिफरेंट नेटवर्क से लोग जुड़ते हैं, तो मजीद खुद डिस्कवर करते हैं आई नीड टू लर्न मोर ऑन डिजिटल मार्केटिंग, वेबसाइट्स में, ग्राफिक्स में, और मजीद एडवांस और चीज़ें सीखनी है और मजीद डीपी जाना है, तो फिर वो अपने माइलस्टोन बनाते हुए अपने गैजेट्स को भी मजीद अपडेट करते हैं ड्यूरिंग द स्टूडेंट्स, जो नॉमिनल मोबाइल फोन्स होते हैं स्टूडेंट्स के पास, वो अपग्रेड करते हुए लैपटॉप परचेज कर लेते हैं, अजॉन दे गेट अर्निंग स्टार्ट हो जाती है, तो फिर वो फिर इस तरह भी कर होते हैं. अब इसमें हर टाइप ऑफ पीपल होता है कि जो इतना हार्डवर्क करेगा तो उसको उतना रिवॉर्ड भी उसका मिल रहा होता है समवेयर, क्योंकि बहुत सारे रोलिंग क्लाइंट्स हमारे पास आ रहे होते हैं पूरे नेटवर्क से ही, तो इस तरह कहीं ना कहीं फिर वो स्टूडेंट्स को ही डाइवर्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि जो चीज़ें हैं नेटवर्क में नीड है लोगों को, और राइट कनेक्शंस को राइट कनेक्ट करना भी जो है ये एक है बिल्ट इन फीचर हो गया है हमारा भी, तो स्टूडेंट्स को फिर वो चीज़ें फिर एड ऑन कर रहे होते हैं, सिखा रहे होते हैं. और पर्सनल ब्रांडिंग फिर वो जो वैल्यू ऐड करना है, सिर्फ नॉट जस्ट मार्केटिंग, नॉट जस्ट सेलिंग, कि वो किस तरह मार्केट के अंदर अपना पर्सनल रेपुटेशन को, अपनी चीज़ों को मजीद बेहतर बनाते हुए मजीद के बिजनेस की और अपग्रेड साइड और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को खुद से भी एक्सप्लोर कर सके, तो इंडिपेंडेंटली उनको फिर बहुत सारी चीज़ें एज ऑन सीख पाते हैं फिर वो. अली भाई, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी, इफ पॉसिबल फॉर यू एंड इफ इट इज इजी फॉर यू, वो तमाम स्टूडेंट्स जो जिन्होंने आपसे सीखा एंड देन दे आर वर्किंग एज अ ब्रांड और दे आर वर्किंग एज अ इंडिविजुअल in the market on in different skills in different directions, if you make a list and then we would share this list with our connections on your wall and on my wall, so that ke hamare jo dekhne wale hain unko ek encouragement mile ki ye wo log hain jo ke zero pe the and then they started from zero and they learn and now they are earning. बिकॉज मैंने आज अपनी जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिखा यही था कि लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अर्निंग, क्योंकि अभी जिस एरा में हम हैं, इस एरा में रिमोट वर्किंग पे ज्यादा एम्फसाइज है, ऑफिस की जॉब्स अब तकरीबन खत्म होती जा रही हैं, और अगर हैं भी तो उनको ढूंढना या उनको लेना दैट इज अनदर बिग स्टोरी एंड अनदर बिग डिफिकल्ट टास्क. तो
और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि अगर इफ यू आर वर्किंग एट होम एंड इफ यू आर वर्किंग एज अ फ्रीलांसर, तो आप एक पाकिस्तानी मार्केट के अंदर काम नहीं कर रहे होते, या लोकल कराची के मार्केट में काम नहीं कर रहे, या वेयर एवर यू आर लिविंग, आप पूरी दुनिया के साथ काम कर रहे हैं, पूरी दुनिया आपके सामने है, ठीक है? आप चाहें तो यूरोप में एंटर हो जाएं, आप चाहें तो अमेरिका में एंटर हो जाएं, आप चाहें तो कनाडा की मार्केट को उठा लें, एंड देन यू स्टार्ट वर्किंग विद देम, एम आई राइट? तो उसके लिए अब एक क्वेश्चन जो नए सीखने वाले हमेशा मुझसे भी करते हैं और आपसे भी करते होंगे, दैट इज हाउ टू स्टार्ट, व्हेन टू स्टार्ट एंड व्हाट टू लर्न. बिकॉज एक बंदा जिसको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में नहीं पता, सोशल मीडिया के बारे में नहीं पता, वीडियो एडिटिंग के बारे में नहीं पता, उसको फ्रीलांसिंग के हवाले से कुछ मालूम नहीं है, उसको फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स, फाइवर, पीपल पर आर, अपवर्क, इस हवाले से कोई नॉलेज नहीं है. तो जब वो सुनता है मुझसे या आपसे कि भाई ऑनलाइन तो पैसे कमाए जा सकते हैं, तो उसको ये समझ नहीं आती कि मुझे सीखना क्या चाहिए, व्हाट इज बेस्ट फॉर मी. तो ऐसे जो कंफ्यूज्ड किस्म के लर्नर्स होते हैं, जब वो आपके पास आते हैं, तो फिर आप उनको क्या आंसर करते हैं, या आप उनको किस तरह से ट्रैक पे लाते हैं, या उनको उनके अंदर की जो हिडन स्किल होती है वो ढूंढने में हेल्प करवाते हैं? अच्छा, इसमें ये है कि हम तो नॉर्मली जो एक कोर्स आउटलाइन रहा मैंने हमें दी हुई है, तो उसको हम फॉलो करवाते हैं, जिसमें वो सारी चीज़ें हैं जो एक एक जनरल पब्लिक को अपने डिस्कवरी में हेल्प करती है. ठीक है, तो कोर्स नंबर 1 में वो नेटवर्क से कनेक्शन बिल्ड करते हैं, और जो स्किल्स है हम सिखा रहे होते हैं, जो ट्रांसफर कर रहे होते हैं समवेयर, उसके ट्यूटोरियल्स भी ऑलरेडी बने हुए हैं, चीज़ें हैं, तो वही चीज़ों को डेमोस्ट्रेट करते हुए एज ऑन सिखा रहे होते हैं, और चीज़ें मजीद उनको हेल्प आउट कर रहे होते हैं. तो डेली लाइफ की रूटीन्स में ये सारी चीज़ें एड ऑन स्टूडेंट आते हैं, मजीद कहीं ना कहीं बहुत सारे वॉक इन आते हैं स्टूडेंट्स. सो 15 मिनट्स आई गिव देम कि उनको काउंसलिंग की जाए, तो मजीद उनको काउंसलिंग करता हूँ, या फिर उनको मजीद बताता हूँ, एडवाइस करता हूँ कि आपके ये चीज़ें स्किल्स ऑलरेडी हैं, तो आपको अब मजीद फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पर जाना है. कुछ के स्किल्स नहीं होते हैं, अर्निंग ही करने का शौक होता है, लेकिन तो वो अर्निंग कैसे करनी है, चीज़ें हैं. तो जो पाथवे हमारा एक है, रूट मैप बना हुआ है हमारे पास, कि आप पहले अपने फेसबुक को आप ठीक करते हैं, प्रोफाइल्स को ठीक करते हैं, एज ऑन ये सारी चीज़ें ठीक करते हैं, उसके बाद अपने प्रोफाइल्स के बाद अपने विजिबिलिटी बढ़ाते हैं, फिर कैनवास से आप पोस्टर्स बनाते हैं, अपने वही प्रोफाइल्स को बनाते हैं, तो यही पाथ पे देते हुए फिर इंटरव्यूज करते हैं, कॉन्फिडेंस आपका इंक्रेज होता है, आप इंग्लिश स्पीकिंग के लिहाज से आप स्पीक करते हैं, आप लिखते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो यही सारी चीज़ें बेहतर होती रहती है. फिर एज ऑन जब आपके पास स्किल्स डेवलप हो जाती है 2-3 महीने में एज ऑन, तो आप उस स्किल्स को मजीद अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ मिलाकर उसको बिजनेस डेवलपमेंट में डालकर और मजीद एड ऑन करते हैं, और इसी तरह कनेक्शन करते हैं. बहुत सारे ऐसे होते हैं कि वो सिर्फ खामा खा के कन्फ्यूज हो रहे होते हैं कि दे हैव स्किल्स ऑलरेडी, स्किल्स भी है, फ्रीलांसिंग पे भी काम भी कर रहे हैं, या उन्होंने फ्रीलांसिंग पे गए ही नहीं है अभी. तो नॉर्मली सिर्फ उनको होता है क्यूरियोसिटी होती है, तो ऑफ कोर्स ऐसे भी लोग आ रहे होते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो आई गिव देम पाथवेज और उनको कहीं ना कहीं लूप में रखता हूँ, कनेक्शन और फीडबैक और फॉलो अप ले रहा होता हूँ कि आप मजीद सीखते रहो, मजीद करते रहो, जो भी क्यूरीज हो चीज़ें हो, क्योंकि काफ़ी लोगों के पास स्किल्स ऑलरेडी है, काफ़ी लोगों के पास स्किल्स नहीं है. तो स्किल्स को बैलेंस करते हुए द फर्स्ट स्टेप कि आपको एक स्किल डिसाइड करनी है, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करना है, देन एज ऑन आप जिस प्लेटफॉर्म पर जाओगे, आपकी सर्विसेस क्या है या आपकी प्रोडक्ट क्या होती है मार्केट में. ठीक है, तो आपकी सर्विसेज इंडस्ट्री में जा रहे हो, तो आपको अपनी सर्विसेज क्या, उसकी टाइम की वैल्यू का पता होना चाहिए, आप किस वैल्यू में एक्सचेंज, उसकी प्राइसिंग क्या होगी, देन उसके बाद प्राइसिंग का उनको पता चलता था कि मेरी एक पोस्टर की वैल्यू इट्स लाइक 1500 रुपीज़ का, एक मैं पोस्टर भी बेच सकता हूँ, बेच सकती हूँ, या फिर मैं 500 रुपये का बेच सकता हूँ, अगर बहुत ऐसे ही काम चलाओ चलना है, काम करना है, तो 250 रुपये में का मांगता है, तो एज ऑन उसको भी सर्व कर सकते हैं फर्स्ट एज अ क्लाइंट. लेकिन नॉर्मली इट्स टेक टाइम, काफ़ी बार आधा घंटा 2 घंटा ब्रेन स्टॉर्मिंग करना, डिजाइनिंग को क्रिएट करना, इट्स टेक अ डे, पूरा पूरा दिन भी लग रहा होता है पीछे भी, क्योंकि उसके कॉन्टेक्स्ट में क्या चीज़ें डालनी है, क्या चीज़ें नहीं डालनी है. लेकिन आप डेली यूज टू की चीज़ें कर रहे होते हो, तो आपको एक आइडिया हो जाता है कि कस्टमर ने न्यू चीज़ नहीं मांगी या न्यू चीज़ें बनानी है, रीडिज़ाइन करना है, तो आप जल्दी से उसको बना के भी आधा 1 घंटा 2 घंटे में दे रहे हो. इट्स नॉट लाइक कि 5 मिनट आप बना के उसको दे दो,
और क्लाइंट भी आपको ज़्यादा फ़ोन फ़ोन कर रहा होता है, एज ऑन भी, तो डिपेंड करता है कि उस लिहाज से डेडलाइन को वो कम्युनिकेट, वो प्रेशराइज क्लाइंट की तरफ से, चीज़ों की तरफ से भी, पैसे किसके मिल रहे नहीं मिल रहे, तो सारी टैक्टिक्स वगैरह प्रैक्टिस कर रहे होते हैं एज ऑन। फिर बहुत सारे सोशल मीडिया के अंदर बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं कि हम आपको काम देंगे, पीडीएफ को आप इमेज बना दें, इमेज को पीडीएफ कर दें, चीज़ें, और फिर 200 लोगों एक साथ बना दें, 10 लोगों बना दें एक साथ, तो इट्स नॉट लाइक दैट। फिर आपकी जो पेमेंट है हमने कर दी है या प्रोसेस में हो रही है, $2,000 आपको दे रहे हैं सर। बहुत सारे स्कैमर्स भी होते हैं इसमें, तो वो स्कैमर से भी बचना होता है कि आपका जो टाइम है वो किल कर देंगे आपका, जो आपकी बिजनेस डेवलप करने का टाइम है, जो आपको राइट कस्टमर्स पे राइट चाहिए, तो वो फिर आप एक्चुअली किसी को पे तो नहीं करोगे ना, आप पे करोगे $200 पे करो तो हम आपके 2,000 डॉलर्स पे करेंगे। इस तरह बहुत सारे स्कैमर्स फेसबुक पे, फिर वो टेलीग्राम पे, इस तरह डिफरेंट मिल रहे होते हैं, अच्छा, तो काफ़ी जगह आप एडवांस पेमेंट ले रहे होते हैं, चीज़ें कर रहे, तो वो सारी चीज़ें स्टूडेंट हेल्प आउट करते हुए, फिर जो प्लेटफॉर्म है और उसकी परमोशन है कैसे करनी है, उसको मजीद टैक्टिक्स सिखा रहे होते हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रमोशंस के प्लेटफॉर्म तो हमने बता दिए उनको कि 6 प्लेटफॉर्म दे दिए, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, टिकटॉक, यूट्यूब, उस पर अपने वीडियोस लगाए, उस पर आप अपनी पोर्टफोलियोज बनाए, फिर बिहांस का पोर्टफोलियो बनाते हैं, जो वेबसाइट्स के अंदर बनाना चाह रहे हैं, डिफरेंट वेबसाइट और पोर्टफोलियोज की हैं, गूगल ड्राइव के अंदर अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं, या एज ऑन डिफरेंट डिम्बल है, प्रिंटरेस्ट है, फिर और एड ऑन सोशल मीडिया यूज करते हैं, फिर मजीद अपवर्क के अलावा भी, फाइवर के अलावा भी, फिर डिफरेंट और प्लेटफॉर्म एक्सप्लोर करते हैं, मतलब क्लब हाउस है, और इन सारी चीज़ों को लेते हुए प्रमोशन करते हैं समवेयर। फिर स्टूडेंट्स को गूगल एड्स का किसी को शौक होता है, या फिर फेसबुक मार्केटिंग इज अ मस्ट, कि वो कहीं ना कहीं अपने कस्टमर्स को मजीद एड्स के जरिए भी उनको अपनी एजेंसी को, पेजेस को, और या इंडिविजुअल पेजेस को मार्केट करें, तो ये प्रैक्टिसेस भी सिखाई जाती है, तो पूरा थ्रू आउट द पार्ट होता है। और जहाँ बच्चों के ऑर्डर्स आते हैं या बच्चों का प्रॉब्लम होता है कि भाई क्लाइंट से मैं बात कर रहा हूँ, मैं मजीद क्या और बात करूँ, वो फिर होते, तो वो ड्रिल मॉकअप्स वगैरह पहले से ही उनको सिखा दी जाते हैं, तो इतना उनको मुश्किल नहीं होता है, या अगर होता भी तो दे कैन मेक मी कॉल एनी टाइम के ऑर्डर्स वगैरह हैं उनको, तो ऑफ कोर्स, या कोई भी कन्फ्यूजन वगैरह है ड्यूरिंग प्रैक्टिस तो वो कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, या ग्रुप में भी पेयर टू पेयर मेंटरशिप इनकी इकोसिस्टम बना दिया है, क्योंकि अब तो माशाल्लाह बहुत सारे और भी ट्रेनर्स जो है, स्टूडेंट्स जो थे हमारे पास, या डिफरेंट और ट्रेनर्स हमारे पास है, तो इकोसिस्टम में वो पूल बन गया है कि सीनियर, जूनियर और फिर और ट्रेनर्स, वो सारे इकोसिस्टम में एक दूसरे को हेल्प कर रहे होते हैं, तो काफ़ी बार लर्निंग का जो पूल है, फिर डिफरेंट मेंटर से भी कनेक्ट होके वो मजीद उसमें प्रमोशंस कर रहे होते हैं, वहाँ से उनको कोई, जिनकी डिजाइनिंग अच्छी हो तो डायरेक्टली मार्केट से वहाँ से उनको हायर कर लेते हैं, सम वेयर रिमोट अपॉर्चुनिटी निकलती है तो दे हायर फॉर द फुल टाइम, तो इस तरह भी होता है स्टूडेंट्स के लिए, या कुछ डायरेक्टली कंपनीज होती है वो हायर कर रही होती है तो उनको अपॉर्चुनिटी जाती है, तो समवेयर इस इकोसिस्टम में जो डेडिकेटली काम करता है वो नेटवर्क में खुद ही शाइनिंग स्टार की तरफ रेज होके फिर वो मजीद उसको डिस्कवर करता रहता है इस जर्नी में फिर। अच्छा, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे 28 मिनट जो है वो दे वर जस्ट 8 सेकेंड्स, बट एज यू नो दैट ये जो टॉपिक है या जो फ्रीलांसिंग है या लर्निंग फ्रॉम लर्निंग फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग एंड लर्निंग टू डेवलप योरसेल्फ। अच्छा, लर्निंग भी दो तरह से हो जाती है ना, एक लर्निंग होती है आपने अपने आप को डेवलप करना होता है, और एक लर्निंग होती है जिसमें आपकी ऑब्जेक्टिव ये होता है कि चूंकि अब दुनिया में कमाने के तरीके बदल चुके हैं तो मैंने उन तरीकों को नजर में रखते हुए कमाना है। तो अब ये हम जो है इस पूरे सब्जेक्ट को हम आज के लाइव में तो कवर कर नहीं सकते, जैसे कि मेरे बेटे ने भी रोना शुरू कर दिया है और मेरे बेटे ने वार्निंग दे दी है कि वी कैन नॉट प्रोलॉन्ग दिस लाइव। तो उसमें हम ये कर सकते हैं अली भाई, दैट इफ यू हैव टाइम तो देन हम एक लाइव सीरीज प्लान कर लेते हैं, वीक वीक में एवरी डे फॉर 30 मिनट लाइव, ताकि जो हमारे फॉलोअर्स हैं वो हमसे ज्यादा कनेक्ट कर सकें और हम उनकी क्यूरीज को वन बाय वन आंसर कर सकें, और हर दिन हम एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे बात करें। लाइक इफ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कैनवा,
तो हम उस लाइव में स्पेसिफिकली कैनवा पे बात करें कि कैनवा से लर्निंग से आपको क्या फायदे हो सकते हैं. और इफ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वुमेन प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग फ्रीलांसिंग, रिगार्डिंग वर्किंग ऑन सोशल मीडिया, अब चले जाओ, तो देन हम जो है उस हवाले से जब हम बात करें तो फिर हम सिर्फ उसी पे बात करें. बिकॉज आज तो हमने पार्शली सब चीजों को कवर किया. आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि आपने टाइम निकाला एंड देन आपने छोटे छोटे पॉइंट्स में सारी चीजें बहुत अच्छे से एलाबोरेट की. बट वी नीड मोर योर टाइम एंड आई रियली विश यू टू कनेक्ट विद अस मोर सो दैट के हमारे जो कनेक्शंस हैं, म्यूचुअल कनेक्शंस आपके मेरे. अच्छा, मैं हमेशा फेसबुक के फ्रेंड्स को फ्रेंड्स कंसिडर नहीं करती. मैं हमेशा ये कहती हूँ दे आर कनेक्शंस, बिकॉज वी आर ऑन फेसबुक, वी आर ऑन सोशल मीडिया नॉट टू मेक इंडिविजुअल फ्रेंडशिप्स, वी आर हेयर टू लर्न फ्रॉम ईच अदर. सो जो हमारे कनेक्शंस हैं वो हमसे कुछ अच्छा सीखना तो चले एक बात की बात है, कुछ अच्छा ग्रैप कर सके और उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सके. तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस आइडिया दैट वी कैन कनेक्ट इन फ्यूचर? आप जो हमारी व्यूअरशिप है, जो आपकी व्यूअरशिप है, अगर वो इकट्ठे होके हमें देखना चाहे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जहन में से बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे जो कि यकीनन वो बाद में लाइव देखेंगे तो कॉमेंट करेंगे, तो देन हम उन सवालों का जवाब दे सकें. Of course, I'm always available. जब भी चीजें हैं तो उसको प्लान आउट कर लेंगे. अब अपने स्ट्रीम यार्ड भी चलाना सीख लिया, चीजें हो गई है सक्सेसफुली. तो आप जब है जिसको स्ट्रीम यार्ड लाइव था एंड दैट वाज जस्ट बिकॉज़ ऑफ यू एंड दैट्स व्हाई जो है वो मैं ये कहती हूँ कि बाज़ औक़ात ये होता है ना कि ऊंची दुकान एंड फीके पकवान, समझदार के लिए इशारा काफी है, ठीक है. और बाज़ औक़ात ये होता है कि जो असली असल जो चीज होती है वो आपके सामने होती है और आपको नजर नहीं आ रही होती. एंड यू आर वन ऑफ दोज टीचर्स एंड ट्रेनर्स जिनके अंदर कोई नखरा वखरा नहीं होता और आप हमेशा जो है वो बहुत अच्छे से, बहुत रिस्पेक्टफुली, स्पेशली चूंकि आई एम अ फीमेल तो मैं बहुत मोहतात होकर सोशल मीडिया के ऊपर किसी से इंटरेक्ट करती हूँ या किसी से मैं बात करती हूँ. तो आपके बारे में अगर मैं बात करूंगी या मैं आपको सजेस्ट करूंगी तो आई एम प्रिटी श्योर अबाउट यू कि आप अगर किसी खातून से बात करेंगे या किसी खातून लर्नर को सिखाएंगे तो आप उसकी डिग्निटी, उसकी रिस्पेक्ट को जहन में रखते हुए आप उससे बात करेंगे. सो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज फील फ्री टू टॉक टू यू. और मैं जितनी मेरी फीमेल फॉलोअर्स देख रही हैं वो अगर अली भाई से कनेक्ट करना चाहें तो अली भाई की आईडी पे, प्रोफाइल पे जाके उनको फॉलो कर सकती हैं, उनका यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकती हैं. मैं आपके यूट्यूब चैनल की जो लिंक है वो अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी इंशाल्लाह. एंड देन यू कैन लर्न एज मच यू वांट. यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है कि बस इस लिमिट तक आपने सीखना है, 30 दिन का कोर्स है, उसके बाद अली भाई ने इनकार कर देना आपको सिखाने से. ये लाइफ टाइम सपोर्ट है जो आपको मिलती रहेगी. तो अली भाई इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लाइव में आपसे दोबारा मुलाकात होती है. टिल हम कुछ टॉपिक्स प्लान कर लेते हैं, एक लेआउट डिजाइन कर लेते हैं और उसको फिर अपने व्यूअर्स के साथ शेयर भी कर लेंगे ताकि हमारे जो ऑडियंस है वो उस पर्टिकुलर टाइम पे अवेलेबल हो अगर वो सीखने में इंटरेस्टेड है. तो हम सिर्फ और सिर्फ जो है इनिशिएटिव ले रहे हैं ताकि हम अपने हिस्से का कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट कर सके सोसाइटी में, ठीक है. मैं अपने एंड की अगर बात करूं अली भाई तो मैं हमेशा यही कहती हूँ अपने लाइव में कि आई एम नॉट अ टीचर, ठीक है. मैं कम्युनिकेट करती हूँ आप लोगों से और मैं जो समझती हूँ कि जो एक मैसेज अच्छा मेरे जिम्मे है आपको देना वो मैं देती हूँ, बाकी उस पर अमल करना ना करना वो आपकी बात है, आपकी अपनी मर्जी है. तो थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग विद अस. हैव अ गुड संडे एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ और इंशाल्लाह वी विल बी इन टच विद यू. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज. थैंक यू. अल्लाह हाफिज. जज़ाकअल्लाह.